नमस्कार दोस्तों, नेशनल हाईवे की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं काफी गाड़ियों के, आपको जानकारी दे दें, काफी गाड़ियों के एक्सीडेंट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं गाड़ी आगे से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है। ये दूसरी गाड़ी है और बताया जा रहा है कि चार चार गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। आखिरकार क्या मुख्य कारण रहा वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। ये आप देख सकते हैं पंजाब नंबर गाड़ी है और आगे से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है। करनाल नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है और ये आप देख सकते हैं एयर बैग्स तक जो है वो कहीं ना कहीं जरूर खुल जाते हैं। ये देखिए पीछे का व्यू हम आपको दिखा रहे हैं, गाड़ी आगे से पीछे से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है। नेशनल हाईवे की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। आप ये देख सकते हैं एक बड़ा वाहन भी यहां पर देखा जा रहा है। क्या मुख्य कारण रहा है, किस कारण से ये एक्सीडेंट हुआ है वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप ये देख सकते हैं गाड़ियों की स्थिति जानकर जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो इस गाड़ियों को चला रहे थे उनकी हालत कैसी होगी। तो आप ये देख सकते हैं नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं जहाँ पर स्थानीय पुलिस की मौजूदगी भी जरूर देखी जा रही है और एक लंबा जाम जरूर लग चुका था नेशनल हाईवे पर और अब इस जाम को दुरुस्त करने के लिए गाड़ियां अब कहीं ना कहीं चलती हुई जरूर दिखाई दे रही हैं। चार गाड़ियां जो है बताया जा रहा है क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ये आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में पंजाब नंबर ये गाड़ी है जिसका नंबर है PB65AB5041। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को आप शेयर करें। आप ये देख सकते हैं दूसरा नंबर है PB65BB3100 इस गाड़ी का नंबर है। चार गाड़ियों में आपस में भिड़ंत हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर करें और ये देखिए गाड़ी का जो अगला पहिया है वो कहीं ना कहीं खुल जाता है। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और पुलिस कहीं ना कहीं जांच करती हुई जरूर नज़र आ रही है। आखिरकार क्या मुख्य कारण था, किस कारण से यह टकराव हुआ है। तो बहुत ही गाड़ियां जो है वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त जरूर हुई हैं। करनाल नेशनल हाईवे की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कई गाड़ियां जो है आपस में भिड़ जाती हैं और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि गाड़ियाँ, बहुत सी गाड़ियाँ जो है चारों की चारों गाड़ियाँ जो है वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस विषय में लोगों का क्या कहना है सुनिए। हादसा कैसे हुआ था, ब्रेक मारी थी अचानक से? आगे ब्रेक लगी, आगे मेरे आगे ये गाड़ी थी, मैंने ब्रेक लगा ली, इनकी गाड़ी को टच नहीं हुई, पीछे से वो कैंटर आया, उसने सारी गाड़ियों को साथ ले गया। टोटल कितनी गाड़ियां सर डैमेज? टोटल चार गाड़ियां डैमेज। प्रेशर ज्यादा था पीछे से सर? बहुत ज्यादा, आप देख सकते हैं ब्रेकों के निशान, देख सकते हैं आप कितने ज्यादा हैं जी। अब देखिए कहाँ से ब्रेक लगा के ले जा रहा, कहाँ से खींच के ले जा रहा हूँ। चोट तो सर किसी को नहीं आई, एक बच्ची को आई है और एक लेडीज को आई। आपने सुना कि एक बच्ची और एक लेडीज को चोट आई है और उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि पहली गाड़ी जो अगली गाड़ी है उस पर ब्रेक लग जाती है और फिर उसके बाद लगातार जो गाड़ियां है वो कहीं ना कहीं ठुकती हुई जरूर नजर आई। और आप ये देख सकते हैं बड़ा कैंटर है और इस बड़े कैंटर का भी संतुलन बिगड़ जाता है क्योंकि इस प्रकार के जब हादसे सामने आते हैं तो फिर पीछे से आ रहे वाहन अनबैलेंस हो जाते हैं। अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहेगा करनाल न्यूज़।